एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम लोग कर रहे हैं शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा, और उसमें हम लोगों ने जितनी भी शुरुआती चीजें थी वो पढ़ ली थी, और उसके साथ में हम लोगों ने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी पढ़ा है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में आपको पता है कि कार्बन में कुछ ऐसी स्पेशलिटीज हैं जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं है, और जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स के नंबर बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स भी हमने पढ़े हैं जो जिनमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन उनको फिर भी ऑर्गेनिक नहीं कहा जाता, तो वो स्टोरी भी हमने कल देख ली है। और किस तरह से पहला बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था वो भी हमने पढ़ा है, और उसके बाद जो VFT थ्योरी थी वो पढ़ी, उसके बाद उसका वायलेशन पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे। हाँ, और दूसरी बात, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कार्बन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड, और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी हमने पढ़ लिए थे। अब छोटी मोटी चीज़ें एक बार और देख लो, क्योंकि इसकी भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट है इस तरह के, क्योंकि लास्ट ईयर शाहू के एग्ज़ाम में जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो लास्ट ईयर तो हुआ नहीं था, 2020 में तो नहीं हुआ था, जो 2019 में हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर, तो मैं ये वाला क्वेश्चन जरूर करवाना चाहूँगा, डिग्री ऑफ कार्बन। तो एक बात समझो, डिग्री ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की डिग्री की बात करनी है हमको, ठीक। तो डिग्री ऑफ कार्बन डिपेंड करता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन कितने कार्बन के साथ में अटैच्ड है, ठीक है। तो हम सीधे इसका एग्जांपल लेंगे, तो चाहो तो इसमें एक लाइन लिख सकते हो, तो डिग्री ऑफ कार्बन डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कार्बन इट अटैच्ड, कितने कार्बन के साथ में ये अटैच्ड है। तो बस एक लाइन में इतना ही लिखना है। अब सीधा एग्जांपल अगर ले लिया जाए, मान लो एक कंपाउंड हम ले लें, चार कार्बन है, ये है हमारा ब्यूटेन। तो अगर इसमें डिग्री ऑफ कार्बन की बात पूछी जाए, तो यहाँ पर जितने कार्बन से हर कार्बन की डिग्री अलग अलग हमको निकालनी है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो मैंने बताया कि कार्बन की डिग्री डिपेंड करती है कि वो कितने कार्बन के साथ में अटैच्ड है। अगर कार्बन की डिग्री 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब है ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। वो जो कार्बन है जिसकी डिग्री 1 है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ में अटैच है। अगर किसी की 2 डिग्री है कार्बन, तो मतलब यह है कि वो कार्बन कम से कम 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। किसी की 3 डिग्री है, तो मतलब यह है कि वो 3 कार्बन के साथ में जुड़ा है। और अगर किसी की 4 डिग्री है, तो वो 4 कार्बन के साथ में जुड़ा है। बड़े सिंपल सी बात है। तो अगर यहां पर अगर चेक किया जाए, तो देख लो इन चारों को, ये वाला कार्बन सिर्फ 1 कार्बन के साथ में जुड़ा है इधर की साइड, तो इसकी डिग्री 1 है। ये वाला कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से, दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री है 2 डिग्री। ये वाला कार्बन भी दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री है 2। और ये वाला कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री है 1। आगे बात समझे, तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2, और 2 डिग्री कार्बन भी 2। ठीक है, कंपाउंड चेंज करते हैं। मान लो कल आइसोमेरिज्म भी पढ़ा था आप लोगों ने, तो मान लो अगर पूछा है आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन पूछ रहा है। आइसोब्यूटेन एक कंपाउंड है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटेन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि आइसो का मतलब ये होता है कि एक कार्बन के साथ में अगर 2 मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगे हुए हों, एक कार्बन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसो, ठीक है। और 4 कार्बन है टोटल, तो इसलिए ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इसको थोड़ा सही ढंग से अगर लिखा जाए, तो ये हो जाएगा CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, तो सिर्फ CH, ओके, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। अब जरा डिग्री चेक कर ली जाए सबकी, ये वाला कितने डिग्री का है, 1 डिग्री, ये वाला कितने डिग्री का है, 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन के साथ में अटैच है। बीच वाला जो कार्बन है, ये 3 कार्बन के साथ में अटैच है, इधर इधर इधर, तीनों तरफ, तो इसकी डिग्री हो गई 3 डिग्री। तो इस पूरे कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3, 1, 2, 3, और 2 डिग्री कितने हैं, 0, और 3 डिग्री कितने हैं, 1, और 4 डिग्री, 0, एक भी नहीं है। तो कुल मिला के इस पूरे कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन कितना है, 3, और 3 डिग्री कार्बन 1 है, बाकी ना 2 डिग्री कोई कार्बन है, ना ही 4 डिग्री कार्बन है। तो ऐसा भी होता है। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए, कि दिया गया है नियोपेंटेन, ठीक ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन बताने हैं हमको नियोपेंटेन में। तो नियोपेंटेन क्या होता है पहले पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि नियो के लिए क्या होता है कि एक कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप ऐड होने चाहिए, इस तरह से CH3,
CH3। और चौथा भी कुछ ना कुछ कार्बन होना चाहिए, तो चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है। तो इसका नाम नियोपेंटेन क्यों है? नियो इसलिए क्योंकि यहाँ पे नियो जैसी संरचना है, एक कार्बन के साथ में तीन मिथाइल है और चौथा भी कुछ ना कुछ कार्बन का है, इसलिए ये नियो है। पेंटेन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टोटल पांच कार्बन है, बात खत्म, बस इतना ही है इसमें। अब जरा डिग्रीज देख ली जाए, किनारे के जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे 1 डिग्री हैं, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक से जुड़ा है, ये वाला भी एक से जुड़ा है, ये भी एक से जुड़ा है और ये भी एक से जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन तो हो गए चार। बीच वाला कार्बन ये इधर 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 चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई भी हाइड्रोजन इसके पास में नहीं है, तो ये है 4 डिग्री कार्बन। आगे बस में तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें? चार। और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें? 1। बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री इसमें एक भी नहीं है। अब एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन देते हैं। समटाइम क्या होता है कि स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, मान लो किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना दिया और फिर पूछ लिया कि बताओ इसमें कितने कार्बन है। जैसे मान लो चलो बेंजीन में पूछ लिया। अब बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है ठीक है अल्टरनेटिव, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए इसमें, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात सिंपल समझ लो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से किसी भी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाला कार्बन दो दो कार्बन के साथ में अटैच है, तो इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2, तो यानी कि बेंजीन में जितने जो 6 कार्बन है सारे के सारे कार्बन 2 डिग्री है, तो जो 6 कार्बन है 2 डिग्री, सारे के सारे 2 डिग्री कार्बन ही है, तो ऐसे भी ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन आर इन बेंजीन, तो दिख रहा है साफ साफ कि बेंजीन में 6 कार्बन है और सारे के सारे 2 डिग्री है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ भी, दैट्स डजंट मैटर, द थिंग ओनली मैटर कि कितने कार्बन के साथ में अटैच्ड है। तो हर कार्बन 2 कार्बन के साथ में अटैच है यहाँ पर, तो इसको कह सकते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बन है सारे के सारे, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, मान लो किस तरह का क्वेश्चन आ गया, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, तो पहले आप लोग जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए इसको पॉज करके, उसके बाद मुझे तो खैर बताना ही है। तो देखे जाएं तो जरा एक बार ध्यान से देखो, मैंने कहा कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता, इस वाले कार्बन को देखो ये सिर्फ एक कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से उधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है यानी कि ये 2 डिग्री कार्बन है। किनारे वाला कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री और लास्ट वाला कार्बन भी 1 डिग्री, ये सारे के सारे 1 डिग्री वाले कार्बन है। इस वाले कार्बन की बात किया जाए, इधर भी कार्बन, उधर भी कार्बन, इधर भी, हर तरफ कार्बन, यानी कि 4 डिग्री का कार्बन है ये, तो ये 4 डिग्री का हो गया। इस वाले कार्बन को देखो तो 2 साइड केवल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन इधर 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 3 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है यानी कि 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन उधर भी कार्बन इधर भी कार्बन यानी कि 2 डिग्री कार्बन है। टोटल काउंट कर लो तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, आई थिंक 5 है। 2 डिग्री कार्बन 1, 2, 3, तो 2 डिग्री 3 है। 3 डिग्री कार्बन 1 है यहाँ पर, दिखाया हमको वहाँ पे, और 4 डिग्री कार्बन भी 1 है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ कार्बन भी निकालने को आ सकती है, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शाहू के एंट्रेंस एग्जाम में पिछली बार ये क्वेश्चन जो लास्ट 2019 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई किसी कंपाउंड का नाम दिया था और पूछा था हाउ मैनी 3 डिग्री और ये इस तरह से भी पूछा था, ठीक है ना। के बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगला टॉपिक हम ले लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने का, तो अगला है नंबर ऑफ सिग्मा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन होमी भाभा में पूछा जा चुका है एक बार, समझ रहे हो ना, होमी भाभा में ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो होमी भाभा में आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे इस रेंज के क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, पाई कैसे लिखेंगे इस तरह से, तो एक कंपाउंड दे देगा उसमें पूछा जाएगा कि कितने इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है, हमको ये काउंट करना है। इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि किसी भी सिंगल बॉन्ड में, अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब तो आपको पता ही है ना, सिंगल बॉन्ड में हमेशा 1 सिग्मा होता है और 0 पाई, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अंदर कभी भी पाई नहीं होता, सिर्फ 1 सिग्मा होगा। दूसरी बात, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अंदर 1 तो सिग्मा होगा और 1 पाई भी होगा, तो डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है। और अगर तीसरा हमारा होता है ट्रिपल बॉन्ड,
एक दो तीन इस तरह का, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई, तो इसमें पाई दो हो जाएंगे। कुल मिला के एक चीज यहाँ पे देखने लायक क्या है कि चाहे बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सिग्मा तो हमेशा एक ही होगा, सही है। सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सिग्मा हमेशा एक होगा, डबल में एक पाई, ट्रिपल में दो पाई, सिंगल में एक भी पाई नहीं, तो इस बात को बस ध्यान रखना है। और तीन बॉन्ड से ज्यादा का कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड तो होता नहीं है, ठीक है ना, कि तीन से ज्यादा एक चौथा बॉन्ड भी बना दिया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब सीधे कंपाउंड में देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा आता है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या यही दो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन दिस कंपाउंड, फाइंड आउट द, या जो भी इस तरह से क्वेश्चन। तो मान लो क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटेन। क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटेन। और हो सकता है अगर क्वेश्चन बनाने वाले का मूड अच्छा हो, तो हो सकता है उसने आपको पेंटेन का फॉर्मूला भी दे रखा हो। पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12, ठीक है ना। अब सिग्मा और पाई कभी भी बिना स्ट्रक्चर बनाए नहीं निकाले जा सकते, स्ट्रक्चर तो बनाना ही चाहिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, पांच कार्बन है, तो एक दो तीन चार पांच, ये पांच कार्बन बना दिए। अब हाइड्रोजन लगा दो सब पे, इस पे एक दो तीन, इस पे सिर्फ दो, इस पे भी दो दो, और इस पे एक दो, सही है। तो कुल मिला के हमने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अब बताओ इस कंपाउंड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है ना, यानी कि पाई बॉन्ड तो होंगे ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पूछे गए हैं। यहां पर सिग्मा बॉन्ड के बारे में ही सवाल किया गया है। तो देखो क्या है, सिंपल सी बात, आपको जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, पाई नहीं होता, तो हर जगह पे एक एक सिग्मा है, तो एक सिग्मा यहाँ 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 यहाँ, इतना लिखने से अच्छा सिंपल सी बात है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो, जितने सिंगल बॉन्ड है उतने ही इसमें सिग्मा होंगे। आगे बात समझ में नहीं आ गई, तो कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आई थिंक 16 सिग्मा बॉन्ड इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो एक तो नाम देके दे देगा, तो ऐसे दे देगा। एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि हो सकता है कोई स्ट्रक्चर बना के दे दे, मान लो कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही बना दिया हो, जैसे कि एक ऐसा कंपाउंड बना दिया है, हाइड्रोजन लगा दो जहां जहां पे जितनी जरूरत है, यहां पर एक हाइड्रोजन रहेगा और यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहां पर भी एक भी नहीं है, यहां पे तीन हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहां पर दो हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। इसके तीन हाइड्रोजन को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं ताकि काउंटिंग करने में हमको आसान रहे, ठीक है। तो जिस कार्बन को जितने हाइड्रोजन की जरूरत थी हमने दे दिया है। अगला काम है हमारा सिग्मा और पाई को काउंट करना, तो इसको भी ऐसे थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखो सिग्मा और पाई काउंट करते समय स्ट्रक्चर को जितना ज़्यादा खोल के लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे अलग अलग करके दिखा दो तो ज़्यादा आसान रहेगा। सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, तो सबसे पहले एक काम करो कि सिग्मा पहले काउंट कर लो। सिग्मा पहले काउंट करने में फ़ायदा यह है कि पाई तो ज़्यादा होते नहीं है, सिग्मा ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सिग्मा, क्योंकि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सब में एक सिग्मा तो प्रेजेंट होता ही होता है। अरे बात समझ में नहीं आ रही है, सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा तो सब में है, तो इसलिए समझदारी इसमें है कि आप पाई की जगह पहले सिग्मा काउंट कर लो। तो ट्रिपल में भी एक सिग्मा, भाई मैंने बोला ना कि चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा सिर्फ एक ही रहेगा, तो एक सिग्मा यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, टोटल कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, गिनती ध्यान से करना इस चीज़ की, 14 सिग्मा, टोटल 14 सिग्मा आ गए। पाई जरा गिनो, आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं तो दो पाई हो गया, डबल बॉन्ड में एक पाई तो एक पाई हो गया, और इधर भी डबल बॉन्ड में एक पाई, तो कितने हो गए, दो तीन चार, तो यानी कि पाई कितने हो गए, 4 पाई बॉन्ड्स हैं इस कंपाउंड में। तो इस तरह से दूसरी चीज़ ये है कि कंपाउंड के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालने, तो ये भी छोटी मोटी चीज़ थी, हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीधे हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, नाम में ही छुपा हुआ, हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, कार्बन बोले तो कार्बन,
यानी कि ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो एक लाइन में चाहो तो लिख सकते हो, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और आपने कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उसमें हमने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, द कंपाउंड्स, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव जो होते हैं वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो पहला तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में क्या लिखोगे, कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्या बोलते हैं, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है हमारा मेथेन, इसके बाद एथीन, इसके बाद एसिटिलीन, तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। बेंजीन, बेंजीन भी हमारा एक हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने चाहो उतने बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन काफी तरह के हो गए। इसके बाद अब हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव भी पढ़ लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में क्या था, सिर्फ ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और कोई भी तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो उनको कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो क्या है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, अब चाहे हाइड्रोकार्बन हो चाहे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो, है तो दोनों ऑर्गेनिक, सही है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। जैसे तीसरा एलिमेंट हो सकता है या तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह का कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या लिखना चाहिए, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और ऐसे लिख लो द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एलिमेंट कंटेन करे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। उसके बाद लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पर कि यही एलिमेंट मेन मेन देखने को मिलते हैं, और नाइट्रोजन हो गया, सल्फर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तो हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो स्टडी ऑफ कार्बन ही है, तो मेन एलिमेंट तो उनमें कार्बन ही रहेगा। कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट जो वहां पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट देखने को मिलता है वो हाइड्रोजन है। इसके अलावा अगर कोई तीसरा एलिमेंट भी देखने को मिल रहा है तो मतलब समझ जाना कि वो क्या है, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। इसके एग्जाम्पल हमने कल लिखे थे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के, जैसे मान लो एक तो हो गया C2H5OH, ठीक है ना, ये अल्कोहल है जो पीने के भी काम आती है और सैनिटाइजेशन के भी काम आती है, ये वही वाली अल्कोहल है। इसके अलावा एक हो गया CH3COOH, यानी कि ये एसिडिक एसिड है, इसका फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो इसके अंदर भी देखो हेट्रोएटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा एक हमारे पास हो गया मेथिनामीन, इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर नाइट्रोजन है हेट्रो एलिमेंट। एक होता है हमारा C2S5SH, इसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन, ठीक है ना, बड़ा अजीबोगरीब सा नाम है इसका, कैप्टन मर गया है इसमें, तो इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। क्या है ये, आपको पता है कि LPG जो होती है, जो घरों में यूज होती है LPG, उसमें स्मेल वगैरह होती नहीं है, ठीक है ना, वो एक ऑडरलेस गैस है, क्योंकि LPG एक मिक्सचर है प्रोपेन और ब्यूटेन का। LPG इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही गैसेस कलरलेस भी हैं, ऑडरलेस भी हैं, यानी उनमें कोई भी स्मेल नहीं होती। अब लेकिन अगर LPG बाई चांस लीक कर रही है, अब सिलेंडर तो पता है कितना खतरनाक होता है, अगर मान लो बाई चांस लीक कर गया और पूरे रूम में, किचन में अगर गैस भर गई, तो उसके बाद एक जरा सी चिंगारी, बड़ा धमाका, तो उस बड़े धमाके से बचने के लिए उसके अंदर ये गैस मिलाई जाती है जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन, फॉर्मूला है C2H5SH, एस इसके अंदर वो हेट्रोएटिक एलिमेंट है, और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। तो ये गैस मिलाई जाती है जिसमें बहुत ही वाहियात सी स्मेल होती है, और उसी स्मेल की वजह से हमें पता चल पाता है कि हाँ यहाँ पर LPG लीक कर रही है, ठीक है। तो ये सब लिख लेना। ठीक है।
हटा दें इसको। इसके बाद अगला आता है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये रिवीजन क्लास है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींच सकता। हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप होते हैं, एक है हमारा सैचुरेटेड और दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड, सही है। एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड में क्या होता है कि जो सैचुरेटेड का होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जितने भी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी मिलेगा और ट्रिपल भी मिलेगा, ठीक है ना। मतलब डबल या ट्रिपल में से कुछ भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि डबल ट्रिपल दोनों होने चाहिए। अगर पूरे कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर पूरे कंपाउंड में एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड है, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर इनके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं। अब जैसे क्या होता है कि किसी भी कोई सीरीज, जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड की एक सीरीज होगी पूरी, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सुने हैं ना, इस तरह से ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इधर आप लोगों ने सुना होगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह के वो सब इसकी सीरीज है। और अनसैचुरेटेड में एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, वो सब भी अनसैचुरेटेड की सीरीज में ही आते हैं। तो इनके फॉर्मूले भी होते हैं। तो आगे इसमें और क्या होगा, जैसे कि सैचुरेटेड को ही आगे एल्केन बोला जाता है। ये एल्केन सीरीज के कंपाउंड होते हैं, इनको एल्केन भी कह सकते हैं। हर सीरीज का, हर होमोलॉगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है, तो इसका होता है CnH2n+2। इसको याद रखो, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं CnH2n+2, ठीक है ना। जहाँ पे एन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह शुरू होगा, यानी कि एन जो होगा, जो नंबर ऑफ कार्बन की शुरुआत होगी वो 1 से होगी। और आपको पता है नंबर ऑफ एक कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा है, हमारा CH4 में थे, ठीक है ना। इधर की साइड आ जाओ तो अनसैचुरेटेड में तो दो बातें हैं, डबल भी है ट्रिपल भी है, दोनों है ना, डबल भी है ट्रिपल भी है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। एक होता है एल्कीन, एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिले। एल्कीन क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिले। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है ना, CnH2n, जो प्लस टू यहाँ पर है वो हटा दिया गया है। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहा गया है एल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिले, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, जो यहाँ पे प्लस था फिर प्लस हट गया, अब यहाँ पे वही प्लस माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा -2। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। अब सीधे देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं इस पे। तो कुल मिला के हमारे पास क्या क्या आया है, एक हमारे पास एल्केन सीरीज है, एक हमारे पास अल्कीन है, और एक हमारे पास अल्काइन है। जनरल फॉर्मूले की बात किया जाए अगर, इसकी होती है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, और इसका हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है ना। एक चीज साफ साफ नजर आ रही है इसमें देखने में कि एल्केन सीरीज के कंपाउंड में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से ठीक ठाक ज्यादा होगा, यहां पर कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा, और एल्काइन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से बहुत ज्यादा नहीं बल्कि आसपास ही होगा, बराबर पे ही। इस सीरीज का पहला कंपाउंड क्या है हमारा, मेथेन। आपको पता है एन की वैल्यू आप 1 रखोगे तो मेथेन मिलेगा। इसके बाद दूसरा C2H6 एथेन, तीसरा C3H8 प्रोपेन, फिर C4H10 ब्यूटेन। इसकी अगर बात किया जाए, एक कार्बन से कोई भी एल्कीन का कंपाउंड नहीं बनता तो सीधे दो कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तो पहला बनेगा C2H4, दूसरा बनेगा C3H6, फिर बनेगा C4H8, और उसके बाद आएगा C5H10। आ रही बात समझ में, तो ये सीरीज के कंपाउंड हो गए। देखो
एल्केन में C2H6 है और एल्कीन में C2H4 है, तो हाइड्रोजन के नंबर में फर्क होने की वजह से फर्क आ रहा है, इसी वजह से डबल बॉन्ड भी लगेगा, ठीक है ना। एल्कीन क्या है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। क्लियर, इधर आ जाओ। इसमें क्या होगा, इसमें भी एक कार्बन से कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, तो अल्कीन और अल्काइन सीरीज का जो पहला कंपाउंड होता है वो दो कार्बन से ही शुरू होता है। एल्केन सीरीज का पहला कंपाउंड एक कार्बन से बन जाता है जो कि मेथेन है। इधर देखो, तो पहला कंपाउंड होगा C2H2, इसके बाद आएगा C3H4, फिर आएगा C4H6, इधर आएगा C5H8, ठीक है, बस इतने काफी। तो यहां पर हमको एक चीज पे गौर करना है, यहां पर हमको एक चीज पे गौर करना है, क्या है, एक बात ध्यान से देखो। एल्केन सीरीज कभी भी अगर मान लो कोई कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया गया हो, मान लो यहां पर जैसे एक कंपाउंड दे दिया गया है आपको C15H32, ठीक है, अब पूछा जाए ये कंपाउंड कौन सी सीरीज का है, एल्केन का है, एल्कीन का है, अल्काइन का, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा उसमें तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले वगैरह को यूज मत करना वहां पर, सीधे एक बात को समझ लो, तीन चीजें होती हैं एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। अल्केन में हमेशा जो कार्बन का नंबर होता है और हाइड्रोजन के नंबर में क्या होता है कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से +2 बराबर हाइड्रोजन, ठीक है ना। अल्केन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से, अब जैसे मान लो एक कार्बन है तो 1 × 2 + 2 बराबर हाइड्रोजन, तो कितना आ जाएगा हाइड्रोजन, कितना है 4, इसीलिए देखो एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन। अब यहां पर अगर दो कार्बन कर दोगे तो 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि दूसरे में कितने 6 हाइड्रोजन। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको लिखना नहीं है, बस ऐसे थोड़ा जहन में रखो। एल्केन सीरीज में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से 2 ज्यादा, यहां पर एक कार्बन है तो 1 × 2 + 2 यानी कि 4, और यहां पे क्या है, हाँ दो कार्बन है तो 2 × 4 + 2 यानी कि 6 हाइड्रोजन। यहां पे क्या है, तीन कार्बन के साथ में 8 हाइड्रोजन, क्यों, 3 × 6 + 2 = 8 हाइड्रोजन, इस तरह से। एल्कीन में क्या है, एल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से जस्ट डबल होता है, ठीक है ना, ना ज्यादा ना कम, जस्ट डबल, दो कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 × 6 = 8 हाइड्रोजन, 5 × 10 हाइड्रोजन। अरे बात में एल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से 2 ज्यादा, एल्कीन में जस्ट डबल, और अल्काइन में दुगने से 2 कम। अब यहां पर आ जाओ, पहला कंपाउंड है C2H2, तो दो कार्बन है तो यानी कि 2 × 4 − 2 यानी कि 2, इधर आ जाओ 3 × 6 − 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन, 4 × 8 − 2 यानी कि 6 हाइड्रोजन, तो इस तरह से क्या हो गया अल्काइन। अब जो ऊपर कंपाउंड दिया हुआ है C5H32, कौन सी सीरीज का है, एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, या फिर पूछ लेगा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो ऐसे में क्या करना है देख लो ध्यान से। आपने पता है कि एल्केन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा होता है, तो यहां पे 50 कार्बन है, 15 × 2 = 30 + 2 = 32, तो 32 है, यानी कि ये कौन सी सीरीज का है, ये एक अल्केन सीरीज का कंपाउंड है। अल्केन यानी कि इसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। इसके बाद ये तो हो गया, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं। मान लो 4 ऑप्शन दे दिया गया तो पूछा जाएगा इनमें से, अब चलो इनके कंपाउंड बना के भी देख लेते हैं। C5H12 C5H10 और C5H8, ये तीन कंपाउंड है, पहचान सकते हो कौन एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, दिख रहा है 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन 5 × 10 + 2 यानी कि ये एल्केन है, दिख रहा है साफ साफ,
5 2 10 जस्ट डबल है यानी एल्कीन है, और ये 5 2 10 -2 यानी कि 8 यानी अल्काइन है। क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि इस कंपाउंड के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन के भी सारे सिंगल बॉन्ड हैं। इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, एक ना एक डबल बॉन्ड होगा। अब देखो अल्कीन का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे कंपाउंड में ही पूरा डबल बॉन्ड भरा पड़ा है, पूरे कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड है तो मतलब वो अल्कीन तो है। और इसको क्या बोला जाएगा, इसमें पूरे कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, 5 कार्बन एक साथ में लगा दो। अब जहां जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उसको लगा दो। आपको पता है कि 12 हाइड्रोजन है तो ये गिनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे, 1 2 3, इस पे 2 लगेंगे, इस पे 2 लगेंगे, इस पे 2 लगेंगे और इस पे भी 3 लगेंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। दूसरे कंपाउंड में देखो 5 कार्बन है तो सबसे पहले 5 कार्बन को एक लाइन में ऐसे करके लिख दो। क्योंकि अल्कीन है तो यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो पूरे कंपाउंड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहो यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बना दो। तो चलो बीच वाले बना लेते हैं। इसके बाद जिसको जितने हाइड्रोजन लगे उसको उतने उतने हाइड्रोजन दे दो। अरे बस में चाहो तो देख सक गिन सकते हो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक बात देखो बहुत ध्यान समझो, कभी भी अगर किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब साफ है कि उसके अंदर हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। भाई डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो फिर हाइड्रोजन की जरूरत कम पड़ती है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब उसने अगर मान लो चारों सिंगल बनाए हैं तो उसे 4 हाइड्रोजन चाहिए। अगर मान लो एक डबल बना लिया तो एक हाइड्रोजन की कमी पड़ जाएगी, अब हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसमें देखो 5 कार्बन है तो सबसे पहले 5ों को एक लाइन से लगा दो। अल्काइन है यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां मर्जी वहां पे लगा दो, यहां यहां जहां मर्जी वहां लगा दो। तो यहीं पे लगा देते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब जिसको जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने दे दो। पहले वाले कंपाउंड ने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले ने 3 इधर एक इधर, यानी कि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए हैं, 3 इधर 1 उधर, 2 इसको 2 और 3 इसको 2, तो 3 2 5 3 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से सम टाइम कंपाउंड में कुछ कार्बन वार्बन भी छाटने को आ जाते हैं कि अल्कीन अल्काइन में भी कुछ। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, इसी चैप्टर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आप पढ़ते हो मेटल नॉन मेटल एसिड बेस पीरियोडिक टेबल केमिकल रिएक्शन, वहां पर कभी भी फंक्शनल ग्रुप जैसा वर्ड नहीं आता, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आती है चीजें। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा लोगों को क्या होता है। आप लोगों को मालूम है कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इस तरह की चीजें होती हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप या तो एक सिंगल एटम हो सकता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जैसे ईथर, ईथर सिर्फ ईथर के अंदर सिर्फ ओ है यानी कि एक सिंगल एटम है, तो या तो एक सिंगल एटम हो सकता है या फिर मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम जिसे कह सकते हैं। तो या तो फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो किसी भी कंपाउंड में, जब किसी भी कंपाउंड में ऐड होगा तो उसका उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, ठीक। फंक्शनल ग्रुप ऐसी चीज होती है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होती है। और एक मजे की बात बताऊं, जो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, ये भी असल में फंक्शनल ग्रुप है। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप भी है, समझ रहे हो बात को, ये भी अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो बस इतना ही है, तो इसमें लिख लो चाहो तो एक लाइन, देखो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इधर कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख लो, उतने ही लिखेंगे जितने आपके सिलेबस में जो जितना जरूरी है, और यहाँ पे उनका फॉर्मूला। तो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला भी याद रखो, कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि वो एक कंपाउंड बना के दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो पहला है हमारा वो ले लो एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है OH, इसके बाद है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है COOH। हाँ मैं ये लाइन क्यों खींच रहा हूँ, लाइन इसलिए खींच रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप एक अधूरी चीज़ है, फंक्शनल ग्रुप कोई कंपाउंड नहीं है। केमिस्ट्री में पूरा वही है जो एक कंपाउंड है, ना तो आयंस कभी पूरे होते हैं,
ये भी अधूरे हैं, ठीक है ना, चाहे एन ए पॉजिटिव ले लो या निगेटिव ले लो, और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप अपने आप में पूरा है, ना ही कोई रेडिकल पूरा है, जैसे रेडिकल्स भी बनते हैं, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, आगे बढ़ोगे, ये सारी चीजें अधूरी हैं, ये किसी से कंबाइन होकर ही पूरे हो पाती हैं। तो पूरा क्या है? पूरा है कंपाउंड, जो कंपाउंड होता है वो पूरा होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप तो केवल एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है इनका, जब ये किसी एल्काइल ग्रुप में जुड़ेंगे तब जाके एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया, तो यहां पर जो लाइन खींची है इसका मतलब ये है कि इनकी एक वैलेंसी फ्री है, यानी एक तरफ इनको कहीं ना कहीं जुड़ना है, तो एक वैलेंसी फ्री है इनकी अभी। इसके अलावा एक होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसा होता है, CHO, ठीक है ना, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है। और इसके बाद होता है हमारा कीटोन। अब कीटोन में दो वैलेंसी फ्री होती है, तो ऐसा भी होता है कि इस तरह का, तो इधर भी फ्री उधर भी फ्री, यानी कि जब कीटोन का कंपाउंड बनेगा तो कुछ इधर भी जोड़ना पड़ेगा और कुछ उधर भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों साइड कुछ ना कुछ जुड़ेगा। एक होता है एस्टर, एस्टर के केस में भी यही है, COO, इसमें भी दोनों साइड वैलेंसी फ्री है। एक होता है अमाइन, अमाइन, अमाइन अमोनिया से बना है ये वर्ड, अमाइन मतलब NH2, ठीक है ना, इसकी भी वैलेंसी फ्री है। तो इस तरह के कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है ईथर, अभी बताया था ईथर, ईथर भी ऐसा होता है O बना दिया और दोनों साइड फ्री कर दिया। इसको ऑक्सीजन नहीं पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको ईथर पढ़ना है बस। ठीक है ना, तो ये होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप समझने के बाद ही आप समझ पाओगे होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया, फंक्शनल ग्रुप क्या है, या तो एक सिंगल एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जो 5-6 लिखवाए हैं उनको याद रखो, बाकी तो चलता रहेगा। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज, सीरीज का मतलब ये दिख रहा है साफ साफ, जैसे क्रिकेट मैच की सीरीज होती है, आपको पता है ना, सीरीज का मतलब ये है कि वहां पर मोर देन वन मैच होंगे, एक मैच तो नहीं होगा सीरीज में, तो एक मैच नहीं होता। अब दो टीमों का एक मैच हो गया तो ये थोड़ी कहेंगे इनकी सीरीज हुई थी, इनका तो बस एक मैच हुआ था। सीरीज में कम से कम एक से ज्यादा मैच होने चाहिए, 2, 3, 4, 5 बहुत भी हो सकते हैं। तो सीरीज का मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा है वो चीज। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब ये होता है अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स का ऐसा ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्या क्या चीजें कॉमन है। देखो, नंबर वन, सेम जनरल फॉर्मूला, उनका जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, यानी कि वो फॉर्मूला जिससे वो कंपाउंड बनाए जाते हैं वो सब में सेम होना चाहिए। नंबर टू, सेम फंक्शनल ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। कभी भी चार ऑप्शन दे दिए जाए और पूछा गया कि इनमें से कौन सा कंपाउंड इस होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको बस ये देखना है कि चारों में से किसका फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। तीसरा, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड इज CH2, ठीक है ना। किसी भी दो कंपाउंड के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा, और या फिर अगर मास की देखा जाए तो मास कितना होना चाहिए, 14 यूनिट। ऐसा क्यों? आपको पता है कि अब जैसे दो कंपाउंड के बीच में डिफरेंस CH2 का है, इसको समझो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो एक कंपाउंड है CH4, दूसरा है C2H6, ये दोनों एल्केन सीरीज के हैं, एक है मेथेन एक है एथेन, ये दोनों आपस में होमोलॉगस हैं, ये दोनों आपस में होमोलॉगस हैं। क्यों हैं? इसलिए कि इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, इसका भी CnH2n+2, इसका भी CnH2n+2, क्योंकि ये एक ही सीरीज के कंपाउंड है। दूसरी बात, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, कौन सा, एल्केन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन,
तीसरी बात इनमें मिनिमम डिफरेंस, तो देखो इसके अंदर कार्बन कितना है, एक, इसके अंदर दो, तो यानी कि एक कार्बन की, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है चार, यहाँ पर है छह, तो यानी कि हाइड्रोजन दो, मिनिमम सी एच टू का डिफरेंस होना चाहिए दो कंजुगेटिव यानी जस्ट लगातार वालों में, तो ऐसे को बोलते हैं। तो ये एक पूरे के पूरे होमोलॉगस है, तो होमोलॉगस में ये तीन चीजें मेन है, जनरल फॉर्मुला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मिनिमम डिफरेंस ये होना चाहिए। और एक बात और आ गई, जब सब कुछ सेम है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए कौन सी चीज ज्यादा जिम्मेदार है, फंक्शनल ग्रुप। अगर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो जाहिर सी बात है उनमें केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, तो इसी वजह से होमोलॉगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग लगभग सेम ही होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको यहीं पे निपटाते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज समझ में आ गई, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, और जो भी है वो है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग सेम होमोलॉगस सीरीज, कौन सा कंपाउंड है जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। पहला है CH3COOH, दूसरा है होता है C4H9COOH, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से किस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला अलग है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इस होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या कौन सा ऐसा कंपाउंड है इन चारों में जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बाकी तीनों से अलग है, यानी कि किसी तीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बाकी की अलग होगी। आपको क्या पहचानना है, कभी भी होमोलॉगस के ऊपर क्वेश्चन आए तुरंत देखो ये किस सीरीज का है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर भी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये तीनों के तीनों होमोलॉगस है, ये तीनों एक ही सीरीज के कंपाउंड है, समझे ना, इनका माई बाप एक ही है, ऐसा मान लो ये एक ही की संतान है सारे। यहाँ पर क्या है CHO, COOH नहीं है CHO, क्या होता है CHO होता है एल्डिहाइड, ये क्या है एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या है इसका, ये इस होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये एक बाहरी प्रजाति का कंपाउंड है। दूसरा देखो, फिर से सेम यही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज, फिर से आ गया। अब क्या करोगे, एग्जांपल में दिया है ए C5H10, बी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग सेम होमोलॉगस सीरीज, या तो ऐसे पूछ लेगा या पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, इन चारों में से किसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट पाई जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है, वो घुमा फिरा के यही पूछ रहा है कि होमोलॉगस कौन इस होमोलॉगस सीरीज का नहीं है, यानी चार में से तीन तो एक ही सीरीज के कंपाउंड है, एक अलग है। अब जरा चेक कर लो इनको, C5H10 कौन सा कंपाउंड है, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से जस्ट डबल, यानी कि ये एक एल्कीन है, ये क्या है अल्कीन। यहां देखो C7H18 हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से जस्ट डबल, ये भी क्या है अल्कीन। यहां पे हाइड्रोजन 22 कार्बन 11 C11H22, ये भी क्या है अल्कीन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से जस्ट डबल। इधर देखो C8H18 हाइड्रोजन कितना है कार्बन के नंबर के डबल, यानी 8 2 16 और +2 18, यानी कि ये कौन सा सीरीज है, ये अल्कीन सीरीज का। तो तीन तो यहां पर सेम सीरीज के हैं, अल्कीन अल्कीन अल्कीन, और ये अल्केन है, तो आंसर है ये, यानी कि ये इस होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप इसमें और है क्वेश्चन का, ऐसे पूछ सकता है फाइंड आउट द नेक्स्ट होमोलॉगस, कुछ कंपाउंड दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसका नेक्स्ट होमोलॉगस बताइए। जैसे मान लो पहला कंपाउंड दे दिया है C5H12, ठीक है, दूसरा कंपाउंड दे दिया CH3COOH, तीसरा दे दिया C2H10,
H5OH, ठीक है। अब ऐसा कंपाउंड दे दिया गया, ये एक मान लो कीटोन का दे दो CH3CO CH3। तो इन कंपाउंड्स का अगला होमोलॉगस बताना है कि इस कंपाउंड में जो अगला होमोलॉगस आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी आपको पढ़ाया है कि कभी भी किसी दो होमोलॉगस के बीच में, दो कंजुगेटिव होमोलॉगस के बीच में डिफरेंस कितना होता है CH2 का, यानी कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड का नेक्स्ट होमोलॉगस चाहिए तो उसमें CH2 जोड़ दो, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का पिछला होमोलॉगस चाहिए तो उसमें से CH2 घटा दो। हमें क्या करना है, नेक्स्ट होमोलॉगस यानी आगे का पूछा है, क्या करना है, CH2 जोड़ना है। तो जब इस कंपाउंड में CH2 जोड़ोगे तो C5H12 है, तो C एक तो C जुड़ेगा तो C6 हो जाएगा, और H12 है, दो और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा H14। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट होमोलॉगस क्या है इसका, C6H14। इस कंपाउंड में भी CH2 जोड़ो, तो CH2 यहां पे जोड़ना, CH2 हमेशा एल्काइल वाले पार्ट में जोड़ा जाता है, ये नहीं कि तुम यहां पे कहीं जोड़ दो, इसमें जोड़ो। CH3 है तो एक कार्बन जुड़ेगा तो C2H3 है, और दो जुड़ेंगे तो H5COOH। फंक्शनल ग्रुप सेम रखना, फंक्शनल ग्रुप मत बदल देना, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, दो हैं तो तीन हो जाएंगे C3, पांच हैं तो दो हो जाएंगे 7COOH। यहाँ पे देखो CH3COCH3, अब इसमें भी CH2 जोड़ना है, तो अब जुड़ेगा या तो इधर साइड में इधर साइड में, तो दोनों में से जहां मन करे उधर जोड़ दो। तो इधर की साइड तो ऐसे लिख देते हैं CH3 फिर CO। अब इधर CH3 है तो CH2 जोड़ोगे तो बन जाएगा C2H5, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और बहुत ज्यादा कुछ टफ ऑफ नहीं होता, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो बनाते रहते हैं क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी इतनी बातें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है। हम लोग को पॉलीमर्स भी थोड़े से पढ़ने हैं और टाइम बचा। हाँ एक बात और भी है, शाहू के एग्ज़ाम में IUPAC भी पूछी जाती है। तब IUPAC तो इतना बड़ा चैप्टर है कि उसमें चार पांच, मतलब इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें 5-6 दिन निकल जाते हैं। अब एक लेक्चर में IUPAC पढ़ा के समझा के तो पॉसिबल नहीं है, हम बस ये करेंगे कि IUPAC के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लगा लेंगे, और जो जो मेन मेन फंक्शन ग्रुप है उसके क्वेश्चन यहाँ लगा लेंगे। अगर आपने पहले पढ़ा है उसको तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से, अगर नहीं पढ़ा है तो देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है।